हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपना और अपनों का ख्याल रख रहे होंगे। आज हम आपके लिए रीडिंग लेकर आए हैं कि आपके पर्सन या थर्ड पार्टी या कोई भी मेंबर आपकी लाइफ में, आपके बॉस, आपके आसपास के लोग, आपके कलीग्स या आपके फ्रेंड्स, जिसने भी आपको टॉर्चर किया, जिसने भी आपको धोखा दिया है, क्या उसको सजा मिलेगी? तो गाइस, जो भी रीडिंग निकल कर आएगी वो हम देखने वाले हैं, तो आप मेरे साथ बने रहिए। सबसे पहले तो मैं बता देती हूँ, यहाँ पर दो पाइल हैं, वृष सिंह कन्या, वृश्चिक धनु और मीन, ये फर्स्ट पाइल है। और दूसरी पाइल है मेष मिथुन कर्क तुला मकर और कुंभ, ये सेकेंड पाइल है। जो भी पाइल आपकी है, यानी कि आपके नाम की जिसमें राशि आती है, चुन लीजिए, उसी के अकॉर्डिंग हम रीडिंग करेंगे कि आपके लाइफ में जिसने भी प्रॉब्लम क्रिएट की है ना, उसको क्या कर्मा मिलेगा। तो आई होप गाइस आपने पाइल चुन ली होगी। अगर आपको राशि नहीं पता है तो आप कलर के अकॉर्डिंग भी पाइल को चुन सकते हैं, जैसे येलो कलर और पिंक कलर, इस हिसाब से भी आप पाइल को चुन सकते हैं। तो चलिए, जिन्होंने फर्स्ट पाइल को चुना है उसकी हम रीडिंग देखेंगे। और गाइस, ये रीडिंग लेट हो गई क्योंकि मैं अपनी बिटिया को जो है डॉक्टर के पास ले गई थी, उसकी तबीयत खराब थी। ठीक है, वो अभी हॉस्टल से आई है, तो इसी वजह से गर्मी ज़्यादा ज़्यादा होती है, इसकी वजह से उसकी तबीयत खराब हो गई। ठीक है, तो अभी मैं बना देती हूँ और उसके 10-15 मिनट बाद में आपके पास पहुँच जाएगी। तो चलिए निकाल लेते हैं फटाफट कार्ड। ज़्यादा लंबी वीडियो हम नहीं करेंगे क्योंकि ना तो आपके पास टाइम है और ना मेरे पास अभी फिलहाल जो है। अगर मैं रेस्ट करूंगी तो फिर मुझे नींद आ जाएगी, नींद आ जाएगी तो फिर वीडियो नहीं बन पाएगी। इस वजह से मैं सोच रही हूँ पहले ही बना दो। 10 मिनट हुए हैं मुझे आए हुए। बॉटम तो देखे, सोलमेट। नेक्स्ट हमारे पास और ले लेते हैं हम कार्ड। बॉटम ऑफ द डेक है टावर। इसको भी रख लेते हैं। देखिए, आप मेरे व्यूवर्स के बारे में थोड़ा सा बताऊंगी ताकि आप रेजोनेट कर पाए, और थर्ड पार्टी या आपके पर्सन के मैं साइन बताना चाहूं तो यहां पर मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन के साइन जो हैं वो जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस हो सकते हैं, या फिर टोरस वर्गो कैप्रिकॉन हो सकते हैं, या फिर पाइसेस कैंसर स्कॉर्पियो हो सकते हैं। ये बहुत ही स्ट्रांग साइन मुझे दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, स्कॉर्पियो साइन बहुत ही स्ट्रांग है यहाँ पर। ठीक है, साइन कोई भी हो सकते हैं क्योंकि हम तो पाइल के अकॉर्डिंग रीडिंग कर रहे हैं। यहाँ पर मैं थोड़ा सा आपके बारे में बताना चाहूंगी ताकि आप रेजोनेट कर पाएं कि ये रीडिंग मेरे लिए है। देखिए, देखिए मुझे यहाँ पर ज्यादातर तो आपके पार्टनर की ही एनर्जी दिखाई दे रही है कि आपके पर्सन ने और उनकी फैमिली ने, यहाँ पर मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है। और कुछ लोगों का यहाँ पर मुझे ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि अदर थर्ड पार्टी, जो अदर पर्सन थर्ड पार्टी है, उसकी वजह से भी यहाँ पर प्रॉब्लम बहुत ज्यादा दिखाई दे रही है। मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है गाइज कि आपके पर्सन और उनके फैमिली ने मिलकर के आपके साथ में कुछ अच्छा नहीं किया। यहाँ पर मुझे ये दिखाई दे रहा है कि आपकी लाइफ में बहुत ज्यादा टावर आए हैं, बहुत ज्यादा डिवाइन इंटरवेंशन हुआ है। मुझे ऐसा लगता है कि थोड़े थोड़े दिनों के बाद में, दो दो चार चार महीने के बाद में आपकी लाइफ में डिवाइन इंटरवेंशन हुआ है। ठीक है, और जो मुझे यहाँ पर रीडिंग दिखती है वही मैं बताती हूँ। कुछ मेरे व्यूवर्स ऐसे कमेंट करते हैं कि लड़ाई तो सबके घर में होती रहती है और इसमें क्या बताना है, थोड़े थोड़े दिनों में लड़ाई होती रहती है। तो देखिए, कार्ड जो बता रहे हैं वही मैं बता रही हूँ। मैं अपने मन से कोई स्टोरी नहीं गढ़ रही हूँ कि मैं मन आया वही स्टोरी आपको सुना रही हूँ, ऐसा नहीं है। ठीक है, आपको देखना नहीं है तो आप बेशक से आप दूसरी रीडिंग देख लीजिए या किसी और चैनल से भी आप देख सकते हैं, कोई ज़बरदस्ती नहीं है। ठीक है, लेकिन मेरे चैनल पर उल्टे सीधे कमेंट ना करें आप। तो मुझे जो एनर्जी पीक होगी, जो मुझे यहाँ पर कार्ड बता रहे हैं वही मैं बताती हूँ। मुझे कोई शौक नहीं है किसी के दुख दर्द गाने का, क्योंकि पहले ही हम लोग अपने जीवन में बहुत दुखी रहती है और ऊपर से उस दुख दर्द को सुना करके और ज्यादा दर्द होता है ना। मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से मेरे व्यूवर्स को दुख पहुंचे ज्यादा, इसीलिए मैं अपनी रीडिंग्स में बहुत कम दुख बताती हूँ आपको।
आपका दुख बहुत कम बताती हूँ। और चैनल पर आप जाओगे तो कुछ कुछ चैनल तो ऐसे हैं जिसमें पूरा दुखड़ा गाया जाता है रोज हर रीडिंग में, और फिर आगे की रीडिंग की जाती है। मैं कोशिश यही करती हूँ कि कम से कम आपको बताया जाए, ठीक है। देखिए, मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि आपकी लाइफ में आपके पर्सन के पास में काफी ऑप्शन थे, ऐसा नहीं है कि नहीं थे। यहाँ पर ये कार्ड बता रहा है। और आपकी लाइफ में कमिटमेंट इश्यू हद से ज्यादा रहे हैं, कमिटमेंट को लेकर के हद से ज्यादा इश्यू रहे हैं। आप जब से इस घर में आए, यानी कि अपने पार्टनर की फैमिली के पास में जब आए, या जैसे आपकी शादी हुई उसके बाद से, जब आप प्रेग्नेंट भी हुए, पहले भी आपने काफी अपने पर्सन से कहा कि मुझे कमिटमेंट चाहिए, कमिटमेंट चाहिए, लेकिन कमिटमेंट का नाम लेते ही आपके पर्सन 100 कोस दूर चले जाते हैं। आपके पर्सन जो हैं वो कमिटमेंट का नाम लेते ही आपसे दूर हो जाते हैं। यहाँ पर कुछ केसेस में मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपने अपने पार्टनर की बहुत सेवा की है। आपके पर्सन का हो सकता है कोई एक्सीडेंट हुआ हो, या फिर कोई बैक पेन हुआ हो, या कोई जैसे सर्जरी हुई हो, या कोई कमर से नीचे का कोई जैसे कमर कमर से नीचे के हिस्से में कोई प्रॉब्लम रही हो, और आपने अपने पार्टनर की बहुत सेवा की है। यहाँ पर मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है। यहाँ पर मैं ये भी देख पा रही हूँ कि जब आपने सेवा की तो बड़े आराम से सेवा करवाई, उसके बाद में फिर से वो चले गए थर्ड पार्टी में, यानी कि अपने पेरेंट्स के पास में, और अदर पर्सन से वो डील करने लग गए। तो मतलब हर्ट तो आपको बहुत ज्यादा हुआ है। यहाँ पर मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि आप हमेशा उनको देते रहे, गिविंग नेचर है आपका, लेकिन उनकी भूख प्यास कभी मिटी नहीं। यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है, ये कार्ड बता रहा है, यहाँ पर भी आपके पर्सन ने आपकी एक नहीं सुनी। आपने काफी सुनाने की कोशिश की लेकिन आपके पर्सन ने एक भी नहीं सुनी, और आपके पर्सन जो है वो दूसरों की सुन सुन करके ही अपना काम चलाते थे, यानी कि आपके हिसाब से वो कभी नहीं चले। यहाँ पर मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है। और मुझे यहाँ पर ये भी दिखाई दे रहा है कि आप जस्टिस मांगते थे लेकिन जस्टिस आपको मिला नहीं। आपने काफी कोशिश की कि मुझे जस्टिस चाहिए, मुझे जस्टिस चाहिए, मेरे साथ इतना बुरा क्यों हो रहा है, क्योंकि इनके फैमिली मेंबर्स ने भी आपको बहुत टॉर्चर किए हैं। मुझे यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है कि आप प्रेग्नेंट थे तब भी आपकी बिल्कुल भी केयर नहीं की, इन्होंने ऐसे ही आपको मरने के लिए छोड़ दिया, या फिर बिल्कुल भी आपकी केयर इसलिए नहीं की कि अच्छा है इसका कुछ जो है बुरा हो जाए, या इसका शरीर खराब हो जाए। इस तरह की एनर्जी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है कि आप अकेले रोते रहे, अकेले आप तड़पते रहे, लेकिन आपकी मदद किसी ने नहीं की। मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि सिर्फ और सिर्फ दिखावा किया था, इससे ज्यादा और कुछ नहीं। यहाँ पर मुझे ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि आपने अपने पर्सन को खिलाया पिलाया, खूब सेवा की, और जस्टिस कभी नहीं दिया, कमिटमेंट कभी नहीं दिया, कमिटमेंट इश्यू रहे हैं। जब भी आपने कमिटमेंट मांगा, जब भी आपने जस्टिस मांगा, तो आपकी एक भी सुनवाई नहीं हुई। यहाँ पर आप लाइफ में बहुत स्ट्रक हो गई। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपको लगता था कि मेरी जिंदगी थम सी गई है, अब पता नहीं क्या होगा, मेरा आगे चलेगी कि नहीं ये जिंदगी। आप बहुत रोते रहे, तड़पते रहे, और आप बंदिशों में रहे, और बहुत सारे लोगों की बातें सुनी हर तरह से। जो यहाँ पर पक्षी देख रहे हैं कैसे अटैक कर रहे हैं, इसी तरह से आपके ऊपर कम से कम 4-5 लोगों का अटैक रहा है। यहाँ पर कम से कम 4-5 लोग जो है वो आपको परेशान करते रहे हैं। फैमिली मेंबर्स मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, आपके पर्सन दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि जब भी जस्टिस की बात करते हैं आपके पार्टनर 100 कोस दूर चले जाते हैं, मैंने बताया। यहाँ पर आप उनको सोलमेट देखते हैं लेकिन उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आप उनको सोलमेट देखे, कुछ लोग ट्विन फ्लेम देखते हैं, कोई ट्विन फ्लेम देखो, कोई फर्क नहीं पड़ता ऐसे बंदे को, क्योंकि ये बंदा बहुत ज्यादा स्टबर्न किस्म का इंसान है, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है। और ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगी, इतना बहुत है, ठीक है। अब देखते हैं कि इनकी फैमिली को और आपके पर्सन को क्या कर्मा मिल रहा है, ठीक है। यहाँ पर मुझे ज्यादातर यही दिखाई दे रहा है, तो चलिए देख लेते हैं, ठीक है। आपके पर्सन के साथ में भी फैमिली मेंबर्स काफी लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, तो कर्मा तो उनको भुगतना पड़ ही रहा है। देखिए, कर्मा का कार्ड भी आ गया, जजमेंट का, सब कुछ देखा जा रहा है। आपके पर्सन को जो है वहां से धकेल रहे हैं, आपके पर्सन मारे मारे फिर रहे हैं, लेकिन आपको दिखाएंगे नहीं कि मेरे साथ ऐसा हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि गए जब से वो आपके पास से गए हैं मोहन करके, तब से उनके साथ में भी अच्छा नहीं हो रहा है, ठीक है। लड़ाई झगड़ा फैमिली में रखती है सारे दिन रात। यहाँ पर जजमेंट, यहाँ पर मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है गाइस कि उनको कर्मा तो मिल रहा है, ठीक है।
यहाँ पर मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है, आपके पर्सन को लेफ्ट आउट इन द कोल्ड में छोड़ दिया है थर्ड पार्टी ने। आपके पर्सन को ना तो वो स्टेबिलिटी दे रही है, ना तो फाइनेंस दे रही है, ठीक से बात भी नहीं करते सीधे मुंह। ठीक है, ये रिवर्स में आया है, उनसे कोई अच्छे से बात नहीं करता है, उनको देखते ही उनका माथा चढ़ जाता है, जैसे ये आ गई मुसीबत, ऐसा देखते हैं। आपके पर्सन को प्यार भी नहीं मिलता है, ठीक है, यहाँ पर मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है। आपके पर्सन जो है वो बहुत ज्यादा सोच रहे कि सब मेरे साथ क्यों हो रहा है, लेकिन उनको ये नहीं पता कि इतना कर्म ही है जो इसको भुगतना पड़ रहा है। यहाँ पर मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कोई स्टेबिलिटी नाम की कोई चीज नहीं है उनकी लाइफ में, ठीक है, अभी तक फिलहाल जो है कोई स्टेबिलिटी नहीं है। आपको क्या कमिटमेंट देंगे उनको, खुद वहां से कोई जो है कोई ऑफर नहीं मिल रहा है स्टेबिलिटी का, कोई मतलब उनको फाइनेंशियली हेल्प नहीं मिल रही है, तो वो आपको क्या देंगे, ठीक है। अब वो जो जिस दिमाग से चल रहे थे ना, अब उनको ऐसा लगता है कि ये मैंने जो डिसीजन लिया था जिस तरह से सोच करके, वैसा तो कुछ भी नहीं हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि वहां पर देखिए कोई उनको हेल्प नहीं हो रही है, यहाँ पर रिवर्स में आया, ये भी यहाँ पर कोई ठीक से बात नहीं करता है, सब खरी खोटी सुनाते हैं उसको, आपके पर्सन को भी और थर्ड पार्टी को भी, यानी कि उनके फैमिली मेंबर्स को भी लोग खरी खोटी सुनाते हैं कि तुम इतने ज्ञानी होकर के भी तुम ऐसे क्यों करते हो अपनी फैमिली में, है ना। आपके ससुर या जो है भैया भाभी जो भी हैं, आपके नाना देवर जेठ जो भी हैं, मदर इन लॉ फादर इन लॉ, उनको लोग ये कहते हैं कि आप इतने नॉलेजेबल इंसान हैं, आप लोगों को गाइडेंस देती हैं और आप अपने खुद के घर में इतनी प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, क्या चक्कर है ये, और उनसे ठीक से कोई बात भी नहीं करता है। यहाँ पर मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि कोई कम्युनिकेशन ठीक से नहीं करता है, ठीक है। यहाँ पर लड़ाई झगड़े बहुत हो रहे हैं, उनके आसपास भी लोग उनको थू थू करते हैं, यहाँ पर मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है। कोई क्लियरिटी उनको नहीं है कि आगे क्या होगा, बहुत दुखी हो रहे हैं। यहाँ पर मुझे ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि उनको सब कुछ अब तो धुंधला धुंधला दिखने लग गया, अंधेरा ही अंधेरा दिखता है लाइफ में, पता नहीं क्या होगा। आपके पर्सन के पास बहुत ऑप्शन थे, लेकिन अभी आपके पर्सन को भी जो है सब कुछ सुनना पड़ रहा है, कोई प्यार नाम की चीज नहीं है, यहाँ पर मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है, क्योंकि यहाँ पर कर्मा मिल रहा है, जो भी उन्होंने आपके साथ में किया था वो धीरे 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 उनको भी जो है पे बैक हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि उनको भी वो कर्मा मिल रहा है, और लोग उनको खरी खोटी सुनाते हैं, उनके रिलेटिव्स भी उनको खरी खोटी सुनाते हैं, और बाकी आपस में ही वो लड़ाई झगड़ा कर रही है, यहाँ पर मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है। और जहां पर लड़ाई झगड़ा होगा वहां पर तो वो कर्मा अपने आप ही है, ठीक है। जहां पर सुख चैन खत्म हो जाता है वहां पर इससे बड़ा कर्मा और क्या होगा, ठीक है। तो ये दिखाई दे रहा है, किसी को हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम भी मुझे दिखाई दे रही है, हार्ट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो सकती है, हार्ट अटैक वगैरह की प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है, या फिर बीपी, या फिर जो है यहाँ पर मुझे ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि किसी को स्टमक से रिलेटेड भी प्रॉब्लम दिखाई दे रही है, ठीक है। अब राहु जो है उनको घेर रहा है, राहु का असर उनके ऊपर लाइफ पर हो रहा है, आपके फादर इन लॉ के लाइफ पर राहु का असर हो रहा है। राहु जो जैसे जैसे क्या करता है, राहु जैसे क्या करता है, कभी बीमारी दे देता है, कभी भ्रम पैदा कर देता है कि ये सही है ये गलत है, ये सही है गलत है, इंसान गलत को सही समझना शुरू कर देता है, ठीक है। इस तरह की सिचुएशन उनके सामने आ रही है, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो गाइस ये थी फर्स्ट फाइल की रीडिंग, आई होप गाइस रीडिंग आपको रेजोनेट हुई, रेजोनेट तो प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल, थैंक्स फॉर वॉचिंग, टिल नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर, बाय बाय। हेलो पाइल नंबर टू, जिन्होंने पाइल नंबर टू को चुना है उसकी हम रीडिंग देखने वाले, मेष मिथुन कर्क तुला मकर और कुंभ, इसकी हम रीडिंग करेंगे, या फिर पिंक पाइल जिसने भी चुनी है उसकी हम रीडिंग देखेंगे कि उनके साथ बुरा करने वाले को क्या कर्मा मिल रहा है, चाहे फिर वो उनका पार्टनर है, कोई कलीग्स है, कोई आस पड़ोस के लोग हैं, चाहे उनके फैमिली मेंबर्स हैं, चाहे कोई भी है, दोस्त हैं, कोई भी है। देखिए हम ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, आप मेरे व्यूअर्स के बारे में थोड़ा सा बताऊंगी ताकि आप रेजोनेट कर पाए, ठीक है। और वैसे तो हम राशि के अकॉर्डिंग कर रहे हैं, फिर भी आप जो है थोड़ा सा देख लीजिए, सुन लीजिए, अगर आपसे रेजोनेट नहीं भी होते तो आपकी राशि के अकॉर्डिंग है, ठीक है। अगर थर्ड पार्टी के या आपके पर्सन के मैं साइन बताना चाहूँ, जिन्होंने भी आपके साथ बुरा किया है उसके साइन बताना चाहूँ, तो टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न, जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस,
और पाइसिस कैंसर स्कॉर्पियो बहुत स्ट्रांग साइन मुझे दिखाई दे रहे हैं। तो गाइस मैं यहाँ पर बताना चाहूँ आपके लिए कि यहाँ पर आपका काफी शोषण हुआ है और मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि आपका कोई बॉस भी हो सकता है। हो सकता है कि आपकी वर्क प्लेस पर आपका शोषण किया गया है, आपने काफी मेहनत की है लेकिन जो है फिर भी आपको उसका आउटकम नहीं मिला इतना जितना आपने मेहनत की है। वहां पर भी आपका शोषण हुआ है और आप जो भी काम करते थे उसका क्रेडिट कोई और ही ले जाता था। यहाँ पर मुझे ऐसा भी दिखाई दे रहा है और मुझे यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है कि आपकी कोई वैल्यू भी नहीं समझता था। आपको जो है पता चला बाद में जब आपने जॉब क्विट कर दी, ऐसा भी मुझे कुछ लोगों का दिखाई दे रहा है कि आप लोगों ने जॉब क्विट कर दी, जॉब छोड़ दी और उसके बाद में आपको पता चला कि मेरी वैल्यू क्या है और मुझे क्या मिलना चाहिए था, क्या मैं डिजर्व करता हूँ और मुझे मिला क्या है। आपको बाद में जो है रियलाइज भी हुआ, इस बात का दुख भी हुआ लेकिन यहाँ पर मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप ग्रोथ चाहते थे अपनी लाइफ में लेकिन आपको वो ग्रोथ देखने को नहीं मिली। आपकी लाइफ में बहुत ग्रोथ होती लेकिन आप जानते थे कि मेरे अंदर कितनी काबिलियत है लेकिन वो ग्रोथ आपको देखने को नहीं मिली। यहाँ पर मैं अगर देखूँ आपके रिलेशनशिप की बात करूँ तो आपके रिलेशनशिप में भी आप अपने पार्टनर से बहुत बड़ी बड़ी उम्मीदें लगा रखी थी आपने। आप अपने पार्टनर को दिलो जान से चाहते थे और अपने रिलेशनशिप में भी ग्रोथ चाहते थे कि इसमें ग्रोथ हो, स्टेबिलिटी आए, ठीक है, और बैलेंस बना करके हम चलें, इसमें जो है कमिटमेंट भी हो, हम दोनों एक दूसरे के साथ बहुत प्यार से रहें। आपने बहुत सपने बुने थे लेकिन सारे सपनों पर पानी फिर गया। यहाँ पर आपके दुश्मनों की कोई कमी नहीं है। मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि फैमिली मेंबर्स, दो या तीन मेंबर्स आपके फैमिली में, आपके पार्टनर की फैमिली के मेंबर्स हैं ये और आपके पर्सन मिलकर के जो है यहाँ पर मुझे थ्री और फोर ही जो है व्यक्ति लग रहे हैं, चाहे मेल फीमेल कोई भी हो, जिन्होंने आपकी लाइफ को बर्बाद किया। एक इसमें आपके पार्टनर भी शामिल है। यहाँ पर मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि और आपने काफी पेशेंस रखा, जो कैरियर में भी काफी पेशेंस रखा कि मुझे एक दिन तो वो सब कुछ मिलेगा जो मैं डिजर्व करता हूँ लेकिन आपको मिला नहीं, इसी वजह से आपने जॉब छोड़ दी। अगर आपकी बात करूँ रिलेशनशिप की तो आपको रिलेशनशिप में भी कोई ग्रोथ देखने को नहीं मिली। काफी लंबे टाइम से आपकी लाइफ में यही चलता आ रहा है, जैसा पहले चल रहा था वैसे ही आज भी चल रहा है, आपको उसमें भी कोई ग्रोथ देखने को नहीं मिली। मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि आपको ऐसा लगता था कि सारी तरफ देखू वहीं पर जो है मेरे दुश्मनों की कोई कमी नहीं है, दुश्मन ही दुश्मन नजर आते हैं, पता नहीं मैंने किस जन्म में पाप किए थे, ऐसा आप सोचते रहते हैं। और क्यों मुझे ऐसे लोग मिलते हैं जो मुझे धोखा देते हैं, धोखा, चीटिंग, आपकी लाइफ में ऐसा कुछ मुझे देखने को मिल रहा है। फिर भी आप होप के साथ आगे बढ़ते रहे कि एक दिन तो मेरी वैल्यू मेरे पति को, मेरे वाइफ को या मेरी फैमिली या मेरे पार्टनर की फैमिली को समझ में आएगी या फिर मेरे जॉब करियर में मेरे बॉस को मेरी वैल्यू समझ में आएगी, लेकिन कहीं से आपको कोई रिजल्ट देखने को नहीं मिला। ठीक है, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है गाइस कि फिर लास्ट में आपको क्लियरिटी मिलती चली गई, आपको अपने जॉब करियर में भी क्लियरिटी मिली, आपको अपने रिलेशनशिप में भी क्लियरिटी मिल गई क्योंकि यहाँ पर एस ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है और आपको जो है आपके पार्टनर की फैमिली मेंबर्स से भी या कुछ लोगों के यहाँ पर आपके खुद के फैमिली मेंबर्स भी आपके साथ में बुरा व्यवहार कर रहे हैं। आपके भाई भाभी लगा सकते हैं या फिर आपके फादर मदर, वो भी आपको ठीक से ट्रीट नहीं करते हैं, आपको जो है उल्टा सीधा भरते हैं, आपका जीवन बर्बाद करने के चक्कर में रहते हैं। ठीक है, मुझे यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है कि आपको तो ऐसा लगता है कि हर तरफ मेरे दुश्मन ही हैं, दुश्मनों की कोई कमी नहीं है आपके, यहाँ पर मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है। और यहाँ पर जो है आपके पर्सन के पेरेंट्स जो हैं वो काफी स्टेबल हैं और इसी वजह से उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया क्योंकि आपके पास में इतना फाइनेंस नहीं है, आपकी फैमिली के पास इतना फाइनेंस नहीं है। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी ना होने की वजह से आपको आपके ससुराल में बिल्कुल पूछा नहीं गया बिना स्टेबिलिटी के और बिना फाइनेंस के, और इसी वजह से आपके पर्सन ने भी उनके बहकाव में आकर के आपका साथ छोड़ दिया और आपको इस बात का बड़ा झटका लगा। लेकिन कर कुछ नहीं सकते हैं, जब भी आप कमिटमेंट मांगते तो आपको कुछ कमिटमेंट नाम का कोई दर्शन भी नहीं होते। ठीक है, यहाँ पर मुझे ऐसा दिखाई दे रहे गाइस कि आपके पर्सन जो है कमिटमेंट को लेकर के कभी भी रेडी नहीं थे क्योंकि वो कमिटमेंट कभी किसी को दे नहीं सकते क्योंकि उनको तो अपने पेरेंट्स की बात मानकर चलना है, क्योंकि उनको तो जो थर्ड पार्टी बोलती है उसकी बात माननी है और आपकी बात को वो सुनने वाले कहाँ हैं। इस बात का अंदाजा आपको बहुत लेट जा करके हुआ और कुछ लोगों को तो, कुछ मेरे व्यूअर्स को तो अभी हुआ है, अभी अंदाजा हुआ है कि ये पार्टनर धोखेबाज है, इसकी फैमिली धोखेबाज है, मुझे लटका कर रख रखा है, मुझे जो है टॉर्चर कर रहे हैं, मुझे सिर्फ जो है लूट रहे हैं, इमोशनली फिजिकली और मेंटली हरासमेंट आपको मिल रहा है, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है। आपका फाइनेंस, जो भी आपके पास फाइनेंस है वो लूट लेते हैं, ले लेती हैं, बहला फुसला कर, नहीं तो मार पिटाई करके, नहीं तो टॉर्चर करके, किसी तरह से भी वो आपसे ले लेते हैं। इमोशनली आपसे जो है बहुत ही ज्यादा कनेक्ट होते हैं और फिर आपका फायदा उठा करके आपके पार्टनर चले जाते हैं, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है। और यहाँ पर मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप काफी इमोशनल पर्सन हैं,
आप गिविंग नेचर के हैं, और यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है छोटी छोटी बातों को लेकर आप रो भी देते हैं, ठीक है, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है, लेकिन आपके पर्सन जो है उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। अब हम देखते हैं कि उनको क्या कर्मा मिल रहा है, क्योंकि बहुत लंबी रीडिंग हो जाएगी। आपके पर्सन इमेच्योर बिहेव करते हैं, तो उनको इमेच्योर ही लोग मिलते हैं। यहाँ पर मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि उनको लगता है कि जहां मैं जा रहा हूं ना, वहां पर खतरा ही खतरा है। यानी कि ये सिक्स सोर्स जो नाव में लगी हुई है वो कभी भी निकल सकती हैं और कभी भी नाव डूब सकती हैं, ठीक है। जिस भी पर्सन के साथ में वो आगे बढ़ रहे हैं तो वहां पर भी उनको खतरा ही खतरा नजर आ रहा है, ठीक है। यहाँ पर मुझे डेविल की एनर्जी दिखाई दे रही है कि ये डेविल जो है इसको जो है मजे ही आपके पर्सन को कंट्रोल करने में आते हैं। आपके पर्सन के जम के मजे ले रहा है ये डेविल, ठीक है। ये आपके पार्टनर के फादर हो सकते हैं, भैया हो सकती है, कोई अदर पर्सन थर्ड पार्टी भी हो सकता है, लेकिन ये आपके पर्सन के जमकर मजे ले रहा है, उनको ब्लैकमेल कर रहा है, मैनिपुलेट कर रहा है, ठीक है। और यहाँ पर मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि गाइस की आपके पर्सन को उल्लू बना रहे हैं ये। आपके पर्सन को कभी तो वो प्यार से रखते हैं, कभी फटकार देते हैं, ठीक है। और यहाँ पर इस तरह की एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। यहाँ पर मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन के ऊपर ब्लैक मैजिक तो करवाया गया है, आपके पर्सन के ऊपर ब्लैक मैजिक करवा करके उसको कंट्रोल किया जाता है, और जैसे नचाया जाता है ना, मदारी अपने बंदर को नचाता है, वैसे ही वो नचाते हैं, जैसे नचाने का मन करता है वैसे नचाते हैं, और आपके पर्सन उन्हीं के इशारों पर नाच भी रहे हैं। यहाँ पर कर्मा का कार्ड है, तो कर्मा तो उनको भुगतना पड़ रहा है, क्योंकि वो अपनी मर्जी से जिंदगी नहीं जी सकते हैं। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ थर्ड पार्टी अदर पर्सन की और उनके फैमिली मेंबर्स की, तो गाइज मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि लोग भी उनको जो है उल्टी सीधी खरी खोटी सुना रहे हैं। यहाँ पर मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है लोग उनसे थोड़ा दूर ही बनाने लगे हैं, दूर दूर रहने लगे हैं, जैसा भी दिखाई दे रहे हैं, और उनके साथ में ठीक से बात भी नहीं करते हैं, उनको थोड़ी सी अच्छी नज़र से नहीं देख रहे हैं अभी फिलहाल जो है, मुझे यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है। और ये भी देखते हैं कि भाई इससे तो जितना बचा जाए उतना ही बढ़िया है, और इस पर्सन या इन लोगों के मुंह ना लगा जाए उतना ही अच्छा है, यहाँ पर ऐसे लोग सोचते हैं। और देखिए उनके साथ चीटिंग धोखा सब कुछ हो रहा है, उनको उनके ऊपर ट्रस्ट भी नहीं किया जा रहा है। उनके जो फैमिली मेंबर्स हैं यहाँ पर, जो उनके फैमिली मेंबर्स हैं और जो आपके पार्टनर के अलावा जो और फैमिली मेंबर्स हैं, वो भी उनको टॉर्चर करते हैं, उनके ऊपर जो है ट्रस्ट नहीं कर रहे हैं कि तुमने उनके साथ इतना बुरा कर दिया तो हमारे साथ तो पता नहीं क्या करोगे। यहाँ पर मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन भी बहुत ज्यादा म्यूजिक सुन रहे हैं, अपना टाइम पास कर रहे हैं, स्टोमक रिलेटेड प्रॉब्लम, कैंसर किसी को हो सकता है, मुझे ऐसा यहाँ पर वाइब्स आ रही हैं। और यहाँ पर जो है, या फिर किसी को दमे जैसी शिकायत भी होगी, या तो आपके पर्सन को या उनकी फैमिली मेंबर्स को, यहाँ पर मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि उनसे रिलेटेड भी कोई प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि गाइस की आपके पर्सन को या तो आप लोगों के बच्चे नहीं हुए हैं, उसके भी कुछ टेंशन है, और अब उनको उम्मीद भी नहीं है कि वो बच्चे होंगे कि नहीं होंगे, ठीक है। और या फिर अदर पर्सन के साथ में वो गए हैं तो वहां पर भी बच्चे नहीं है, ठीक है। यहाँ पर वो थोड़े से तरस रहे हैं बच्चों के लिए, यहाँ पर मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन को इस चीज की तो खुशी नहीं मिली है। अब ये किसी के साथ भी रेजोनेट हो सकती है, जितना जितना आपसे रेजोनेट हो उतना ले लीजिए, बाकी का छोड़ दीजिए, ठीक है। ये थी सेकंड पाइल की रीडिंग, आई होप गाइस रीडिंग आपको रेजोनेट हुई, तो प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टिल नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर, बाय बाय।